आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.6 और क्वेश्चन नंबर 5 से। इसमें 5th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉ विद एनी साइड ऑफ ए रोम्बस एज डायमीटर पासिस राउंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। रोम्बस की किसी भी साइड को डायमीटर यूज करके अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो उसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, ये मान लिया किससे ड्रॉ हुआ है, रोम्बस की साइड से। रोम्बस की साइड को हमने डायमीटर यूज किया इसमें। ए बी सी और डी गिवन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी रोम्बस है। ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स हैं जो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये चीज प्रूव करके दिखानी है, जो सर्कल हमने ए बी को डायमीटर यूज करके ड्रॉ किया है वो पॉइंट ओ से पास होगा, यानी ओ पॉइंट भी सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ये चीज प्रूव करके दिखानी हमने इसमें। गिवन में ए बी सी डी इज ए रोम्बस, रोम्बस और ए बी डायमीटर है सर्कल का। टू प्रूव सर्कल है ओ पॉइंट से लाई पास होगा, सर्कल पास फ्रॉम द पॉइंट ओ, प्रूफ ओ पॉइंट से पास होगा इट्स मीन्स ओ पॉइंट को हमने सर्कल के ऊपर दिखाना है। इसमें एंगल ए ओ बी को हम लिखें, नाइन्टी डिग्री। ए बी एंड सी डी आर डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, ए सी एंड बी डी यहां लिख भी सकते थे हम, ए सी एंड बी डी इट्स डायगोनल। एबीसीडी क्या है, रोम्बस, और एसी और बी डी इसके क्या है, डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अगर और ज्यादा लिखना चाहें तो, अदरवाइज इतने में भी काम चल जाएगा। एओ बी एंगल हो गया 90 डिग्री, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट एट राइट एंगल बोल सकते हैं हम, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे रोम्बस के जो डायगोनल्स होंगे, इट्स मींस एंगल ए ओ बी 90 हो गया। और 90 डिग्री का एंगल सेमी सर्कल का एंगल भी होता है, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज सेमी सर्कल एंगल, इज सेमी सर्कल एंगल। सेमी सर्कल एंगल है तो ए बी क्या हो गया, डायमीटर, और ए बी को डायमीटर ही यूज कर रखा था हमने। सो अगर ये सेमी सर्कल एंगल है तो इट्स मींस ओ पॉइंट कहां लाई करेगा, सर्कल के ऊपर, पॉइंट ओ लाई ऑन द सर्कल। इस लाइन में हम एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज सेमी सर्कल एंगल ऑफ द सर्कल विच डायमीटर ए बी, किस सेमी सर्कल का एंगल है ये जिसका डायमीटर ए बी बनेगा, क्योंकि
डायमीटर के एंड पॉइंट से 90 बनता है, तो डायमीटर क्या यूज हो गया इसमें, जिस पॉइंट पे एंगल बना उसके अलावा जो पॉइंट्स बच गई उन दोनों के ज्वाइन करवाएंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। तो ओ पॉइंट पे एंगल बन रहा है ये, इट्स मीन्स ए और बी बच रहे हैं, तो ए और बी से क्या बनेगा ए बी, जो क्या हो जाएगा डायमीटर। तो ये जो अपने पास एंगल ए ओ बी है ये कौन से सर्कल का सेमी सर्कल एंगल बन रहा है जिसमें ए बी डायमीटर है। तो ए बी डायमीटर से हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है और इस सर्कल में ये सेमी सर्कल एंगल बन रहा है, इट्स मीन्स इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा पॉइंट ओ, सो पॉइंट ओ लाई ऑन दिस सर्कल एंड देयरफॉर सर्कल इज पास फ्रॉम द पॉइंट ओ। यही चीज हमने प्रूव करके दिखाने थी कि जो सर्कल हम स्क्वायर की साइड को डायमीटर यूज करके ड्रॉ करेंगे वो सर्कल के ये रोम्बस के डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ओ पे लिया था, इट्स मींस कहां से पास दिखाना था ओ से, और ओ दोनों में कॉमन पॉइंट हो गया डायमीटर वाले में भी और इंटरसेक्शन वाले में भी, इसका मतलब सर्कल वाले कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है तो सर्कल के ऊपर भी आएगा और डायगोनल्स वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी, दोनों में कॉमन हो गया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसलिए ये सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, द सर्कल रोट ए बी एंड सी इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरली एट ई, प्रूव दैट ए और ए डी इक्वल आएंगे। एबीसीडी पैरेललोग्राम है और इसके पैरेललोग्राम के तीन वर्टेक्स से एक सर्कल पास करवाना है, तो पहले से एक सर्कल ले लेते हैं और ये तीन जो वर्टेक्स दी है ए बी और सी ये सर्कल के ऊपर दिखा देंगे, ए बी सी और डी। इस टाइप से एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम, और सीडी को प्रोड्यूस करवाए तो ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ई पे, जरूरत पड़ रही है, तो अगर हम डी को पॉइंट इस सर्कल से बाहर ले लेते तो जरूरत नहीं पड़ती हमें, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, सर्कल से बाहर भी ले सकते हो डी को। अभी पैरेललोग्राम नहीं लगेगा वैसे, डी की बजाय ई ले लेते हैं, ये डी यही दिखा देते हैं। गिवन हुआ एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव क्या करना है हमने, ए इज इक्वल टू ए डी, प्रूफ ए और ए डी को अगर हम चेक करेंगे तो एक ट्रायंगल के अंदर आ रही है और ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल कब प्रूव हो सकती हैं, जब उसमें दो एंगल्स इक्वल हो, अपोजिट साइड्स के ये सॉरी इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाए तो साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं हम, तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, तो जिन साइड्स को हमने इक्वल प्रूव करना है उनके अपोजिट एंगल्स हम इक्वल प्रूव करवा पाते हैं तो साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं, तो इस में हमने ई एंगल को इस डी एंगल के इक्वल प्रूव करना है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो बी एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, डी के इक्वल होना चाहिए, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बना नहीं अभी, ये सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए था ना, ये तो इंटरसेक्ट सी डी, द सर्कल रोड ए बी एंड सी इंटरसेक्ट सी डी नेसेसरीली एट ई।
ये गलत पड़ गया भाई, ई पॉइंट कहां दिखाना था, सर्कल के ऊपर दिखाना था हमने, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी सी डी जहां पे वो ई पॉइंट होगा। तो इसमें हमें पैरेललोग्राम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दोनों की प्रॉपर्टी यूज करके इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें इन क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल बी इक्वल हो गया एंगल डी के, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी फिर 180 माइनस एंगल डी, एंगल ए डी ई की बात कर रहे हैं, ए डी ई जो ट्रायंगल के अंदर आएगा डी वाला पार्ट एंगल का, उसको हमने इसके साथ इक्वल दिखाना है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो 180 माइनस एंगल डी या ए डी सी लिख दे इसको, ए डी सी, और ए डी सी एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल को क्या बोल सकते हैं हम, डी वाले को ए डी सी भी बोल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, बी के, बी पे एक ही एंगल बना है, ये हो गया। अब ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके ए डी ई एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया, अब कौन सा निकालेंगे, ए ई डी, एंगल ए ई डी प्लस में एंगल बी। अब साइक्लिक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स यूज हो रहे हैं, साइक्लिक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स का सम 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो यहां से एंगल ए ई डी निकलेगा, तो 180 में से ये एंगल बी इस साइड में आके माइनस, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंपेयर करवाते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो इसमें हमें राइट साइड्स इक्वल मिल रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी राइट साइड 180 माइनस बी है और सेकंड में भी राइट साइड 180 माइनस बी, इट्स मींस लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल ए डी ई इक्वल हो गया एंगल ए ई डी के। अब इस ट्रायंगल को यूज कर लें जो इन तीन पॉइंट से बन रही है ए ई और डी से, नाउ इन ट्रायंगल इक्वेशन बोल गया मैं गलती से शायद, तो इसमें क्या बोलेंगे ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनेगी ए और ए ई और डी पॉइंट से, नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, इस ट्रायंगल में अपने पास एंगल ए डी ई इक्वल आ रहा है एंगल ए ई डी के, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए इसमें इक्वल, ई पॉइंट वाला और डी पॉइंट वाला, और ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल, तो इस डी वाले के अपोजिट तो क्या हो जाएगी ए ई, और इस ई वाले के अपोजिट क्या हो जाएगी ए डी, जो साइड्स हमने इक्वल प्रूव करने थी वो आ जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका सिक्स। सेवंथ क्वेश्चन है, एसी एंड बीडी आर कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट एसी एंड बीडी आर डायमीटर्स, और सेकंड पार्ट है इसका एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, दो पार्ट्स प्रूव करने हैं सेवंथ क्वेश्चन में, एसी और बीडी कोर्ड्स हैं जो बाइसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, एसी और बीडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, एसी के भी दो पार्ट्स बनेंगे दोनों इक्वल और बीडी के भी जो दो पार्ट्स बनेंगे दोनों इक्वल, कितने पॉइंट्स हो गए सर्कल पे, फोर पॉइंट्स हो गए, फोर पॉइंट से अगर ज्वाइन करवाएं तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल हो गया,
और एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल में एसी और बीडी अब क्या है डायगोनल्स, इट्स मींस अब इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। एसी और बीडी बाइसेक्ट क्वेश्चन में दिखा रखा है, इट्स मींस एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये चीजें हमने पीछे थ्योरम्स में प्रूव कर लिए हैं 8th चैप्टर के गिवन हुआ एससी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में एससी एंड बीडी आर डायमेट्रस, एससी एंड बीडी आर डायमेट्रस। सेकेंड पार्ट में एबीसीडी इज ए रिएक्टेंगल। प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट इज अदर, एससी एंड बीडी इट्स डायगोनल्स लिख लेते हैं, एससी एंड बीडी इट्स डायगोनल्स एंड इट्स बाइसेक्ट इज अदर। अगर ऐसा है तो एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। And also ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Parallelogram भी है और cyclic quadrilateral भी। और इससे पहले भी हमने एक बार आया था अपने पास कि साइक्लिक क्वाड पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल होता है, तो यहाँ पे भी आप उसी चीज को हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि उसमें डायरेक्ट पैरेललोग्राम बोला था और इसमें क्या किया कि जैसे एसी और बीडी जो कोर्ड्स बन रही थी उनको ज्वाइन करवाने से हमने पैरेललोग्राम बनाया है, इसमें डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल बनाया ही नहीं था इसने। नाउ अभी हम इस पैरेललोग्राम में पहले तो डायमीटर्स प्रूव करते हैं एसी और बीडी को। एसी डायमीटर कब होगा, जब अगर एंगल बी की वैल्यू 90 प्रूव हो जाए तो 90 डिग्री एंगल किससे बनेगा, डायमीटर के एंड पॉइंट से, क्योंकि 90 डिग्री एंगल सेमी सर्कल एंगल हो जाएगा। सेमी सर्कल एंगल होता है तब 90 होता है, अगर 90 है इट्स मीन्स वो सेमी सर्कल से बनेगा, और सेमी सर्कल किससे बनता है, डायमीटर से। इट्स मीन्स अगर ये एंगल 90 हम प्रूव करवा पाए तो इसी को क्या बोल लेंगे, डायमीटर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने लिखा एंगल बी प्लस डी 180 अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इन दोनों चीजों को यूज करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टू एंगल्स का सम 180 और वो दी टू एंगल्स आर इक्वल, दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं और इनका सम 180 भी बन रहा है, इट्स मीन्स दोनों ही 90 के इक्वल होंगे, तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। वी गेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज
सेमी सर्कल है ये, सेमी सर्कल एंगल, सो एसी इट्स डायमीटर। So AC is diameter of the circle. AC क्या हो गया? Diameter of the circle. Similarly BD is diameter of the circle. क्योंकि यार इस एंगल को हम वापिस से ए एंगल को अगर 90 प्रूव करवा दें नहीं तो BD क्या हो जाएगा? डायमीटर। जैसे बी और डी इक्वल आ गए वैसे ही ए और सी इक्वल आ जाएंगे और दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि 180 तो किस लिए होगा? क्योंकि ये अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं, और दोनों इक्वल किस लिए होंगे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल भी होंगे और सम 180 होगा, इसलिए दोनों किसके इक्वल होंगे? 90। सिमिलरली एसी तो हो गया सिमी लर्ली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90, सो बीडी इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ये दोनों हमने डायमीटर प्रूव कर दिए, और पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 भी प्रूव हो गया है। अब इसलिए सेकंड पार्ट में अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल वाला रीजन देने के लिए ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, या ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, सो इट इज रेक्टेंगल। या पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 लिख के हम उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 प्रूव हो जाए तो उसके ऑल एंगल्स 90 प्रूव हो जाते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 है तो उसको क्या बोला जा सकता है? रेक्टेंगल। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखें इसके? ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90, सो इट इज ए रेक्टेंगल। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एट्थ क्वेश्चन में क्या है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट्स इट्स सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल कौन सा होगा? जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्सेस से पास होगा वो इसका सर्कम सर्कल बोला जाएगा। सर्कम सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रायंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर डी पे ई पे एंड एफ पे रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल डीईएफ आर, डीईएफ के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी एंड 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। ट्रायंगल ए बी सी का सर्कम सर्कल यूज करना हमने, तो इसमें सर्कल बनाते और ट्रायंगल ए बी सी की ऑल थ्री वर्टेक्स सर्कल के ऊपर दिखाने हमने ए बी सी। ये होगी ट्रायंगल। इसके बाद एंगल्स के बाइसेक्टर लेने हैं। ए का जो बाइसेक्टर है वो डी पे जाके इंटरसेक्ट करेगा सर्कम सर्कल को, बी वाला ई पे और सी वाला एफ पे। सर्कल के ऊपर गिवन के अकॉर्डिंग अपने पास AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल
बी ए सी, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ए एंगल का बाइसेक्टर है ये, बी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, बी एंगल का बाइसेक्टर है बी ई और सी एफ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ये सी एंगल का बाइसेक्टर है। प्रूव क्या करना हमने, जैसे इसने लिखा नहीं तो डी एंगल किसके इक्वल आना चाहिए इसमें 90 माइनस ए बाई टू, एंगल डी ई एफ, ये सॉरी ट्रायंगल बनाए पहले, ये डॉटेड लाइन से कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता वैसे, तो इसका जो डी एंगल बनेगा उसको ई डी एफ, ई डी एफ किसके इक्वल आएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। इसी के बाद इसके बाद जो अपने पास ई एंगल आएगा वो 90 माइनस एंगल बी बाई टू, ई वाले को एफ ई डी, एफ ई डी एंगल आएगा 90 माइनस एंगल बी बाई टू, एफ वाला बच गया, इसके बाद ई एफ डी, ई एफ डी वो आएगा 90 माइनस एंगल सी बाई टू। प्रूफ एक एंगल को प्रूव करवा देते हैं, बाकी सिमिलरली बोल देना भाई, जैसे पहला प्रूव होगा वैसे ही बाकी की वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी। हम चेक करें जैसे डी को, एंगल डी को, डी अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये इसका ऊपर वाला, इस पार्ट की वैल्यू ले पहले हम स्टार्टिंग में, तो ये जो पार्ट है अपने पास ए एफ आरक से बन रहा है, और ए एफ आरक से और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, ए से जहां लाइन जा रहे हो और एफ से, ए से और एफ से यहां पे गई है, ए से और एफ से, इट्स मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और ये जो है सी एफ बाइसेक्टर थी एंगल एफ के, ये सी एफ जो है एंगल सी की बाइसेक्टर थी, इट्स मींस ये जो पार्ट हम बोल रहे हैं ये सी का हाफ है, तो इट्स एंगल, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे सी का हाफ, तो इट्स मींस ये जो एंगल है ये हो गया एंगल सी का हाफ, एंगल ए डी एफ, ए डी एफ एंगल डी के इस पार्ट की वैल्यू हमने इस पार्ट के इक्वल बताई है ए सी एफ के, ए सी एफ के, और रीजन दिया इसका ए की आरक से बन रहे हैं तो सेम सीजमेंट एंगल, एक ही आरक से एक ही सीजमेंट पे मैप बने हैं तो सेम सीजमेंट एंगल्स हो गए, और इस एंगल को क्या लिख सकते हैं फिर हम, एंगल सी बाय टू, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, या बाद में एक लाइन और लिख के तब लिख लो, एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, इस एंगल को कंप्लीट एंगल सी का हाफ लिख दिया हमने, बस इतना ही लिख लो, एंड दूसरा जो पार्ट है डी का ये है ए डी एफ, ए डी एफ तो यूज हो गया, ए डी ई, ए डी और ई, इस एंगल को क्या लिखेंगे हम, ए डी और ई, ए डी ई की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ए ई से जो लाइंस गई ए ई से बाकी लाइंस यहां पे भी आ रही हैं बी पे, इट्स मींस इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं इसको, और इस एंगल का नाम देंगे ए बी ई, एंगल ए बी ई, और ए बी ई ये बी का बाइसेक्टर थी ये लाइन बी ई, इट्स मींस इस एंगल को बी का हाफ लिख सकते हैं, तो यहां तो हुआ ये इक्वल होने का रीजन सेम सीजमेंट एंगल्स,
और फिर ए डी ई को हमने लिख दिया कंप्लीट बी का हाफ, कंप्लीट बी के हाफ को ए बी सी लिख लिया। इसका रीजन दे तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, और यहां लिखे बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि बी ई इज बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ए बी सी, इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू नाम दे देते हैं। दोनों को ऐड करके कंप्लीट डी एंगल बना देंगे जिसकी वैल्यू हमने दिखानी है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट में एडीएफ, सेकेंड में एडीई। राइट साइड को चेक करते हैं तो हाफ दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, दोनों इक्वेशंस में से हाफ कॉमन, तो फर्स्ट में बचेगा एंगल ए सी बी और सेकंड में बचेगा एंगल ए बी सी। इन दोनों एंगल्स के सम को जो डी के पार्ट्स थे क्या लिख देंगे, इसके और इसके सम को ई डी एफ इज इक्वल टू ट्रायंगल डी एफ का डी एंगल हो गया। अब ये अपने पास हो गया हाफ, ये जो सी एंगल दिख रहा है अपने पास ये है ट्रायंगल एबीसी का सी, कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का सी एंगल, और ये कंप्लीट एबीसी का बी एंगल, यानी एबीसी के बी और सी एंगल्स का सम है। और ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स का सम हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 180 में से ट्रायंगल का थर्ड एंगल सबट्रैक्ट करवा दें, जैसे दो एंगल्स की वैल्यू क्या होगी 60 और 80, इसका मतलब अगर इन दोनों का सम 140 बन गया तो 140 कैसे निकालेंगे, यहां से अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स 140 बना रहे हैं तो तीसरा कितना बचेगा 40, तो इन दोनों का सम को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस जो एक गिवन एंगल है वो, तो इन दोनों के सम की जगह हम ए में कन्वर्ट करवा लेते हैं अब इनको, तो इन दोनों के सम की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए। अब इस पूरे को उससे डिवाइड करवाएंगे तो 180 डिवाइड होगा तो 90 और ए डिवाइड होगा तो ए बाय 2, देयरफॉर इन ट्रायंगल डीईएफ एंगल डी क्या आ गया 90 माइनस ए बाय 2। देयरफॉर इन ट्रायंगल डीईएफ एंगल डी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाय 2। सिमिलरली एंगल ई क्या आ जाएगा 90 माइनस एंगल बी बाय 2। ये अपोजिट एंगल्स हैं, ध्यान रहे अपोजिट एंगल्स ही इक्वल प्रूव हो रहे हैं। और एंगल एफ क्या आ जाएगा 90 माइनस एंगल सी बाय 2।